जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से इस समय चरम पर हैं, उनको देखकर लग रहा है कि सेना और सुरक्षा बलों की चौकसी से आतंकी बौखला रहे हैं और इसी वजह से ये आतंकी जवानों को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जवान इनकी हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है। आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कैपी रोड इलाके में शनिवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने CRPF के बंकर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। इस घटना में कैंप को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। फिलहाल नागरिक बिल्कुल ठीक है। दरअसल एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया था कि ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास CRPF के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। अधिकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक नागरिक को मामूली चोटें आई थी। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटना शनिवार शाम लगभग 7 बजे हुई। आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले में कैपी मार्ग स्थित CRPF के बंकर की तरफ ग्रेनेड फेंका। उन्होंने कहा कि ग्रेनेड बंकर पर नहीं गिरा और इसके पास फटा, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।